गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 26 तारीख दिन रविवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर आलू मंडी में लाइव कस्टमर। हम देख सकते हो इस समय ग्राहकी किस प्रकार का चल रहा है। बाकी आज जो है ज्यादा ग्राहक नजर नहीं आ रहे जी। इस समय तक भाई साहब का तो काफी माल खाली हो चुका होता था। बाकी आज जो है इनके आर्ज पे तीन ही गाड़ी लगा हुआ है आलू का। दोस्तों सबसे पहले जो है किसान भाई से बात करा दूंगा आप सभी को, जो एक्चुअल रिपोर्ट है इनको दो पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है इस मंदाई के दौर में, क्योंकि इस समय जो है आलू का पोजीशन काफी डाउन देखने को मिल रहा है। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, कहाँ के रहने वाले हो और आप अपना परिचय दो जी। यूपी संभल। अच्छा जी, अपना नाम जी? अमरपाल सिंह सैनी। अच्छा जी, तो सर कितने साल से आलू की खेती कर रहे हो जी? 25 साल से। अच्छा जी, इस बार कितने एकड़ में लगाया था? 15 एकड़ में आलू लगाया था। अच्छा, पिछले साल से इस बार ज्यादा लगाए हो या कम लगाए थे? इस साल ज्यादा लगा हुआ है पिछले साल से। अच्छा जी, मतलब इस बार अगर देखा जाए आपके संभल क्षेत्र में पिछले साल से इस बार जो है ग्राही ज्यादा हुआ जी? पैदावार ज्यादा है। पैदावार ज्यादा है। अच्छा, ग्राही तो मतलब जितना करते हो उतना ही। पैदावार ज्यादा है साल में। अच्छा जी, मौसम ने ज्यादा ही साथ दे दिया। अच्छा जी, सर जी अगर देखा जाए आप 25 साल से जो है आलू का व्यापार कर रहे हो जी, तो इस बार जो है रेट मंडियों में कैसा रहा और कितना नुकसान में जा रहे हो ये थोड़ा बताओ जी। ऐसा ऐसा मानो हर गाड़ी 15-20 रुपए तो जा रही है। अच्छा जी, क्योंकि अपने जितने भी किसान भाई हैं जी, कुछ ना कुछ कहीं, क्योंकि सबके पास तो जमीन नहीं है जी प्रॉपर, जितना लगाते हैं सबके पास उतना जमीन नहीं है जी। कोई लीज पे लेता है, कोई किसी पे लेता है जी। तो अगर इस तरह का नुकसान होता रहा तो कहां तक आप लोग झेल सकते हो भाई साहब? इस साल में किसी किसान को या किसी व्यापारी को वो नहीं हो रही भरपाई पूरी, नुकसान में ज्यादा लॉस में सारे का नहीं। अच्छा जी, क्योंकि ये जो कट्टा है इस समय जो क्वालिटी देखने को मिल रहा है मंडी के अंदर, कम से कम आपका जो है 450-500 रुपए तो बिकना ही चाहिए था जी। जी, लेकिन इस समय जो हालात देखने को मिला जी, 280-300 रुपए ऐसे बाजार चल रहा है, 250 रुपए ऐसे चल रहा है, इसमें लागत नहीं लौटेगी जी। बिल्कुल, 120 रुपए का खट्टा रहा यहाँ से लेकर खेत तक का। अच्छा जी, यहाँ से लेकर के खेत तक का, बाकी और भी है जी आप लोग के खर्चे, पानी देना पड़ता आलू के खेत में, खाद है, मगर खुदने के बाद में 120 रुपए खट्टा रहा यहाँ से। अच्छा, मतलब खुदाई से लेकर क्या बता रहे हो? खुदाई से मंडी तक का 120 रुपए का, बाकी खाद पानी वो तो बाहर में जाएगा। अच्छा जी, तो सर इसमें तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा जी आप लोगों का। तो सर इतना जो डाउन है जैसा कि आप बताए जो 25 साल से इस काम को कर रहे हो, तो ऐसा डाउन और भी कहीं कभी देखने को मिला था जी? इस साल में डाउन हुआ रहा। अच्छा, अच्छा जी, तो जैसे आप भी लगाए पिछले साल से ज्यादा, मतलब पैदावार ज्यादा हुआ जी? पैदावार ज्यादा साल है ना जी। तो ऐसा और भी किसी टाइम मिला देखने को जो मतलब पैदावार ज्यादा हुआ तो मंडियों में रेट ज्यादा हो गया या फिर ऐसा कुछ? दो साल पहले हुआ था ऐसा। अच्छा जी, दो साल पहले देखने को मिला था। और इससे जो पिछले साल जो गया 2022 तो उसमें रेट ठीक ठाक मिल गया, तो ऐसा तो नहीं था जो लोगों ने मतलब ज्यादा लगा दिया? लॉकडाउन में रेट बढ़िया मिलते अभी, मगर ये आपका साल दो साल पहले ज्यादा पिटा भाव। अच्छा, तो आप लोग मतलब क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो किसी से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हो या किससे जी? किससे करो, कौन किसी समझा किसान की? अच्छा, किसान को तो काम करने करना भाई साहब। अच्छा, तो अपने किसान भाइयों को कैसे क्या करना चाहिए सर जो मतलब इस कंट्रोल में थोड़ा रेट आ जाए? क्या करना है, तो खेत खाली तो करने पड़ेंगे भाई साहब, कोल्ड स्टोर वो फुल हो चुके, अगली खेती बोनी है खेतों में, खाली करके खेत। अच्छा जी, लगानी है, मेहनत लगाना है। अच्छा जी, एक व्यापारी भाई मिले थे आलू लेकर के आए थे जी कल, तो भाई साहब बता रहे थे जो आप जो है लोगों ने आलू पे ज्यादा डिपेंड रहना स्टार्ट कर दिया जी, पहले गेहूं बोते थे और भी चीज बोते थे और अब जो है इस बार आलू बहुत ज्यादा लगाया। आलू तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? शुरू में बरसात ज्यादा हो गई तो आलू में लगा कच्चे खेल का, ये पक्के आलू ज्यादा लगा इस साल में। अच्छा जी, वैसे ही मनता ज्यादा। अच्छा जी, तो सर अभी जो है अगर किसान भाई जो है अगर कंट्रोल में माल भेजे तो ऐसा कुछ हो सकता है सिस्टम? कोई उम्मीद नहीं था। अच्छा जी, मतलब ये लाना ही लाना यूज एंड थ्रो वाला है, तो खुद ना खुद ना स्टोर करने का मतलब नहीं है, हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड है, कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके, कोल्ड स्टोरेज ज्यादा चिप्स ना लो। अच्छा, सूर दिया। अच्छा जी, कोल्ड स्टोरेज भी फुल हो चुका जी? फुल हो चुके। अच्छा जी, हाइब्रिड डालो ये तो खुद का मंडी आने आना भाई था, क्योंकि आप हाइब्रिड रखने वाला माल नहीं है ये। अच्छा जी, सर जी एक बार जो आप अपना नाम और नंबर बता दो। हमारे पास सिंह। अच्छा जी, और एक बार मोबाइल नंबर भी बता दो। 99-17-63-85-85। अच्छा जी। अच्छा सर एक सवाल और छोटा सा पूछना चाहूंगा, जैसा कि एक्सपोर्ट भी हो रहा आलू तो आपके संभल क्षेत्र से हो रहा है जी ऐसा कुछ? क्या मतलब भाई साहब? बाहर हो, मतलब बाहर अदर कंट्री में जा रहा हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी। तो आपके जो आलू का क्वालिटी है एक्सपोर्ट लायक है जी?
नहीं ये तो भाई साहब खुद के बिकने ना ना, जो आप कोल्ड स्टोरेज में जो स्टोर करते हो आलू, तो वो आलू एक्सपोर्ट के लायक है जी, जो बाहर मतलब जो विदेशों में अगर चला जाए ठंड में जाएगा। अच्छा जी, अच्छा मतलब अगर ये सुविधा आप मतलब आपके यूपी क्षेत्र के लिए अगर गवर्नमेंट कर दे जो एक्सपोर्ट अगर करवा दे, तो मतलब जैसे अभी शुरुआत में जो अगर लॉस में जा रहे हो तो उसमें थोड़ा कवर हो जाएगा जी। ओके दोस्तों, किसी भी भाई को अगर किसी भी मंडी के लिए अगर माल चाहिए हो जहाँ पे शॉर्टेज हो रहा हो, तो इन भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, जिससे इन भाई साहब का भी दो पैसा थोड़ा बने जी। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी थोड़ा आज का बाजार बताओ जी, आज अराइवल कितना रहा जी, और आज डबल मंडी है और सवेरे से ग्राहकी कैसा रहा जी? सर 33 गाड़ी मंडी में आज पूरा बंद है, इसमें 10 गाड़ी बैलेंस था, 23 गाड़ी ताजा है। अच्छा जी जी, तो मतलब सर जितना यहाँ पे खपत है जी, उससे मतलब 10-15 गाड़ी फालतू ही आ रहा है? बिल्कुल जी, ज्यादा इतवार है आज, तो इतवार के दिन लगभग 25-26 गाड़ी लगता है, लेकिन आज 33 गाड़ी है, 7-8 गाड़ी फालतू है। अच्छा जी, तो 23 फ्रेश है और 10 का कल का बैलेंस है जी। अच्छा जी, मतलब 25 गाड़ी का जो यहाँ पे खपत है, लेकिन अभी जो है 10 लेकर के 12 गाड़ी जो है एक्स्ट्रा ही आ रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सर जी बात करें रेट का, तो जो संभल वाला आलू है जी, इसका क्या आलू है? ये जी 250 रुपए के बिके हैं। अच्छा जी, और इधर वाला जी? इधर वाला ये वाला एक आलू है जी, ये आपका काट है, ये 100 रुपए कट्टा बिका है। अच्छा, आलू है वो 280 रुपए का बिका है। कौन सा? ये 100 रुपए बिका है जी? ये 100 रुपए बिका है जी। अच्छा, इसमें क्वालिटी में फर्क है जी? ये काट है जी। अच्छा, काट है निशान वाले जी। अच्छा जी, ये है जी, ये 280 रुपए का बिका संभल का आलू। अच्छा जी, 280, थोड़ा इसमें चमक में फर्क है जी। अच्छा जी, और इधर वाला जी? ये वाला भी 250 रुपए बिका है। अच्छा जी, जी। और सर जी अगर इसका बम्फर आलू का बात करें, और आलू बिका है जी 250 रुपए का। अच्छा जी, 250 रुपए जी। और गुल्ला? गुल्ले बिक रहे हैं सर आपके 150 रुपए, 170 रुपए। अच्छा जी, वजन वाइज जी 49 से लेकर के 50 किलो? बिल्कुल जी। अच्छा जी, और सर जी इस बार अगर बात करें बम्फर आलू का, तो बम्फर आलू कैसा रहा जी? सर बम्फर आलू आ तो रहा है, लेकिन उठाव कम है अभी, बम्फर की डिमांड है पीछे से कम है, उस चक्कर में रेट डाउन चल रहा है, जबकि आलू से 50-100 रुपए तेज बिकता था बम्फर। अच्छा, लेकिन अब लेवल में बिक रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल आलू के रेटों में बिक रहा है, बल्कि सर 20-30 रुपए मंदा ही चल रहा है जी बम्फर वाले का रेट। बिल्कुल जी। एक बार आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर? आरत नंबर है 52 नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 88022-19994। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी भाइयों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो आलू से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। बाकी इस समय जो है हालात काफी खराब चल रहा है जी, आलू का रेट को लेकर के, जितना आलू का खपत है जी मंडी के अंदर, उससे 10-12 गाड़ी जो है एक्स्ट्रा ही आ रहा है, ना कि कम। अगर थोड़ा लिमिट में आ जाए गाड़ी, तो थोड़ा रेट 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए आगे जा सकता है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।